नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पाठक, परीक्षा प्लस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज ये जीएस प्लस का लेक्चर दूसरा है। मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात किया था, अरब इन्वेजन के बारे में सब डिटेल बताया था। मैंने पहले शुरुआत किया था, कहा था कि दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, गुलाम वंश से शुरू किया। मगर मैंने कहा कि गुलाम वंश की नींव कैसे पड़ी, उसका डिटेल देखने के लिए हम लोग प्रीवियस चले गए, अरब इन्वेजन देखें। अब अरब के बाद जो आते हैं वो आते हैं तुर्क। तुर्क का आक्रमण होता है यहाँ पे भारत पे हमारे, तो उसको आज के जो सेशन है हमारा उसमें हम पढ़ेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने लोगों ने ये वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, उसके बाद से हम सेशन करते हैं स्टार्ट। और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। और ये जो वीडियो आपको मिल रहा है, जो ये कोर्स चल रहा है, ये 10+ कोर्स के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें आपको सभी वीडियो फ्री हैं, क्विजेस फ्री हैं, आप में इसमें कोई प्राइज नहीं है। अगर आपको इस सेशन का जो भी लेक्चर है, जैसे हिस्ट्री आपने एक लेक्चर हो गया आपका, दूसरा ये चल रहा है, इनके PDF लेना है, तो आपको 499 में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, जिसके तहत आपको पूरे के पूरे क्लास की PDF नोट्स दी जाएंगी, जिससे आप लास्ट मोमेंट में एग्जाम में रिवाइज करने में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो देर ना करते हुए हम अपने सेशन पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आज बात करेंगे हम तुर्क आक्रमण पे। देर ना करते हुए हम तुर्क इन्वेजन पे बढ़ते हैं। तो तुर्क कैसे हमारे यहाँ आक्रमण किए, क्या था, क्या उनका रीज़न था, पहले आपके क्वेश्चन दिमाग में यही उठना उठेगा कि किस रीज़न की वजह से तुर्कों ने आक्रमण किया, क्या कारण था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अरब का जो मकसद था यहाँ आक्रमण करने का, सेम मकसद इनका भी था। प्रीवियस में ही मैंने बता दिया था कि क्यों जो तुर्क भी थे यहाँ पे क्यों आक्रमण किए थे। अब ये ना सोचना कि सर आपने बताया था कि जो खलीफा के लिए जहाज गया था, तो क्या इनके में भी कोई जहाज लूट ली गई थी क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेन जो आपका वास्तविक कारण था वो क्या था, वो ये था कि उनको अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, जिसके लिए क्या चाहिए था, धन चाहिए था। और धन कहाँ मिलता, इंडिया में मिलता, क्योंकि अरबों ने भी इसी वजह से किया। तो वो जान गए थे कि अरब ने इतना सब कुछ धन लूट के लाया है, तो हम भी क्यों ना भारत से लूट लाएं। क्योंकि भारत क्या था उस समय, एक सोने का खदान था, जिसे आप लोग जानते हो सोने की चिड़िया जो कहा जाता है, वही था। तो हम तुर्क आक्रमण देखेंगे कि सबसे पहले कौन ऐसा तुर्की था जो भारत पे आक्रमण किया। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो गजनी साम्राज्य था उसका स्थापना किसने किया। तो एक बात सामनी वंश की है आती है, ठीक है। सामनी वंश में ही, सामनी वंश के जो राजा थे अबू मलिक, उन्हीं का एक गुलाम था अलप्तगीन। उस गुलाम से काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड इंसान था, मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हो, उसकी सैन्य शक्ति, उसकी युद्ध शक्ति, हर चीज़ बहुत अच्छा था। उससे खुश करके अबू मलिक ने उनसे कहा कि मैं आपको कहाँ का, खुरासन का, ये जो आपको दिख रहा है खुरासन, ये खुरासन जगह का गवर्नर नियुक्त करता हूँ। जब गवर्नर नियुक्त हो गया तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर उसके पास हो जाता है, पूरा का पूरा सैन्य विभाग ही उसके अंतर्गत चलता है, समझ लो। तो यही हुआ था मंसूर हजाज के साथ। गवर्नर मतलब कि आधा राजा, जो होगा वो सब आपके अंदर ही होगा, ठीक। तो वो बहुत खुश हुआ और खुरासन में, मगर वो खुशी उसकी काफ़ी दिनों तक नहीं रही, क्योंकि अबू मलिक की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो उस राजगद्दी पर बैठने के लिए उनके भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई शुरू हो जाती है तो इस जो खुरासन जो जगह था यहाँ पे राजा के लिए, यहाँ सिर्फ दो गुट जो लोग थे, दो घराने के सेना काम करती थी। एक तो जो गजनी से गुलाम वंश आए होते थे गुलाम बन के, वो करती थी, और एक और थी सेना जो गुट थी वो काम करती थी। तो कुछ लोगों ने दूसरे भाई को सपोर्ट कर दिया, किसी ने जो है गजनी ने जिसको सपोर्ट किया वो, मतलब अलप्तगीन ने, जो गजनी वाले लोग थे जिसको सपोर्ट किया वो अलप्तगीन साइड का था, वो हार गया, मतलब वो राजा नहीं बन पाया। तो जब राजा नहीं बन पाया तो वो जान गया, जब राजा ही मेरे पक्ष का नहीं रहेगा तो मेरी दाल यहाँ नहीं बनेगी। तो वो वहाँ से खुरासन से कहाँ चला आया, अफगानिस्तान चला आया। और यहीं पे ये जो गजनी देख रहे हो, ये गाजा के नाम से जाना जाता था, और गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। जब वो आया तो ऐसा नहीं है वो अकेले आया, इसका एक दास था, बहुत चहेता दास, जैसे ये अबू मलिक का चहेता था वैसे इसका एक चहेता दास था, सुबुक्तगीन नाम था उसका। तो वो सुबुक्तगीन के साथ आता है, और अपनी जो इनके फॉलोअर होते हैं सभी साथ आते हैं,
और यहाँ गाजा में पहुँचते हैं। तो गाजा में उस समय कुषाण वंश का जो है शासन था, तो उस समय बोला जाता है एक लाविक नाम का राजा था, उसे ये लोग मार देते हैं और वहीं गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं और यामिनी वंश की भी स्थापना करते हैं। तो ये पूछा जाता है आपसे कि जब क्वेश्चन उठता है कि मोहम्मद बिन गजनवी जो था वो किस वंश का था, तो यामिनी वंश का था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो यहाँ पे आपका गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलप्तगीन ने किया। किसके साथ मिलकर किया था? सुबुक्तगीन के साथ किया था। और सुबुक्तगीन जो था उसकी जो दृष्टि थी, अलप्तगीन की जो दृष्टि थी अपना साम्राज्य बढ़ाने को, वो कोई खासा नहीं थी। मगर सुबुक्तगीन की जो दृष्टि थी वो इसीलिए लड़ाइयाँ करता रहा, काफ़ी चीज़ें जीता। ठीक, जीतने के बाद जो अफगानिस्तान आपका अलप्तगीन था वो उससे काफ़ी खुश हुआ और बोला, मतलब वो भी उसका चहेता बन गया था। एक दिन ऐसा ही बोला कि भैया सुबुक्तगीन हमारी एक बिटिया है, ठीक है, तो उससे आप शादी कर लो। तो सुबुक्तगीन भी राजी हो गया और इसी तरह वो जो गुलाम था उनका दामाद बन गया। ठीक, और अलप्तगीन ने सुबुक्तगीन को एक टाइटल दी थी क्योंकि वो काफ़ी युद्ध कौशल था, सभी से संपन्न था हर गुणों से, तो उसे एक टाइटल दी थी अमीर उल उमरा। इसका मतलब होता है अमीरों का अमीर। और इसी चलते ही चलते समय बीतता गया और बात है आपका 1963 में। ठीक है, आपका यहाँ से अलप्तगीन जो है यहाँ पे, मतलब 19 आपका 63 तक तो यहाँ पे थे खुरासन में, उसके बाद से आए और इसमें ही इनका मृत्यु हो जाता है 63 में, तो गजनी का वो हुआ। और 19 आपका 97 में अप्रोक्स, ओ सॉरी 1977 में अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है। 1977 में अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है और वहाँ की जो गद्दी होती है गजनी की, अब उस पे जो है कौन बैठता है उसके लिए लड़ाई होने लगती है, क्योंकि इनका जो पुत्र था अलप्तगीन का वो कुछ दिन बैठा, उसके बाद से इनका दूसरा जो गुलाम था वो बैठा, और उसके बाद सुबुक्तगीन देखता रह गया, भाई सब कुछ हम करते थे राजा के लिए और बैठने वाले ये लोग आ गए। क्योंकि कोई दास तो दास होता है भाई, दामाद तो था ही दूसरी बात है, मगर जो लड़का होता है वही मेन उत्तराधिकारी होता है। तो जब अलप्तगीन मरा तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका लड़का ही बना। ठीक, मगर वहां की जनता ने उसे फेवर नहीं किया तो फिर दूसरा उसका कोई बना। तो ये सब देखता रहा, एक दिन सुबुक्तगीन के अंदर का गुस्सा फूटा, सबको खलास किया और आके गद्दी पे गजनी के बैठ गया। और जब ये बैठा गजनी के गद्दी पे, तो वो समय सुबुक्तगीन जब बैठा उस समय आपका जो समय था वो था 1977 से लेके 1997 तक ये रहता है सुबुक्तगीन। तो हम आगे चलते हैं और सुबुक्तगीन के बारे में देखते हैं। सुबुक्तगीन यहाँ दिया है, सुबुक्तगीन भारत पर, इसे बड़ा कर लेते हैं, सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। ठीक, यही ऐसा तुर्क आक्रमणकारी था जो उसने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1986 में किया था। कहाँ किया था? जयपाल पर किया था, हिंदू शाही वंश पे किया था। और ये हिंदू शाही वंश जो आपका है राज्य है, ये काफ़ी दूर तक फैला था, आपका पेशावर से लेके आपका यहाँ पंजाब तक फैला था, वहाँ जम्मू कश्मीर तक था, तो इसका फैलाव था। इसे हम ग्राफ से देख लेते हैं आपका कि कहाँ तक इसका हिंदू शाही वंश था आपका। ये देखिए हिंदू शाही वंश, ये आपका पूरा ये रहा, ये हिंदू शाही वंश है, यहाँ तक इनका राज था जयपाल का। तो पहला आक्रमण जो सुबुक्तगीन करता है, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या होता है? अपने साम्राज्य को बढ़ाना। अलप्तगीन तक ये नहीं था, तो साम्राज्य कब बढ़ेगा? जब लूटपाट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू शाही पर क्या करता है? आक्रमण करता है और पेशावर में अपनी सेना छोड़ जाता है जयपाल के साथ संधि करके, कि जो भी यहाँ पे पेशावर में इनके देख रेख में जो भी काम होगा उसका कर वर जो होगा वो हमारी सैनिक को देंगे, जो कि पैसे के रूप में हमारे पास तक वो आएगा। उसके बाद से धीरे धीरे समय बीतता है और सुबुक्तगीन की भी मृत्यु हो जाती है और ये 1990 बोला जाता है आपका। आगे चलते हैं, 1998 में बोला जाता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद गजनी के जो शासन होते हैं वो कौन बनते हैं? मोहम्मद गजनी बनते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है, मोहम्मद गजनी से पहले जो सुबुक्तगीन थे उनके चहेते पुत्र थे, एक दो पुत्र थे, एक तो गजनी था, दूसरा आपका जो था वो कौन था?
वो आपका इस्माइल था, ठीक है, बड़ा पुत्र था उनका इस्माइल, तो वो पहले गद्दी पे बैठता, क्योंकि पहले उसे सुबुक्तगीन उसी को ही अपॉइंट करते हैं। फिर बाद में जो है गजनी जो है वो देखता है बहुत हो गया इन सब का, सबको मार और के अपने गद्दी पे बैठ जाता है, और जब वहां से वो बैठता है तब भारत की तरफ उसका रुख चलता है, और सर हेनरी इलियट के मुताबिक मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक ऐसे ही उसके हम धीरे धीरे एक एक आक्रमण पर चलेंगे। पहले हम मोहम्मद गजनवी के साम्राज्य को देख लेते हैं, जो हरे हरे कलर में आपको दिख रहा है, मैं इसे डार्क कर दे रहा हूँ, वही क्या है आपका, ये गजनी का पूरा साम्राज्य है। यही गजनी का जब गजनी आया बना, और ये जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं सब उसके आक्रमण है। वही 1008 में यहाँ पे आक्रमण लाहौर के पास पंजाब पे करता है, गजनी यहाँ पे है, खैबर दर्रे से ही होते हुए ये भारत में आता है। ठीक है, तो गजनी बना, ये काफी इसके भी जो है युद्ध करने की जो नीति थी अच्छी थी। तो बगदाद के जो खलीफा देखें कि ये काफी अपना आगे विजिट कर रहा है देशों को, काफी लोगों को जीत लिया था, तो साथ ही साथ वहां के जो खलीफा थे अल कादिर बिल्ला, उन्होंने गजनी को कहा कि भैया तुम्हें मैं सुल्तान की उपाधि देता हूं। मतलब पहली बार जो सुल्तान बनने वाला था वो कौन था, वो गजनी था, मोहम्मद गजनी को सुल्तान की उपाधि मिली थी। तो यहां से आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि पहला सुल्तान, ठीक है, पहला सुल्तान कौन था, तो पहला सुल्तान आपका मोहम्मद गजनवी था, उसी को बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि मिली थी। साथ ही साथ एक और उपाधि मिली थी, वो कौन सी थी उपाधि मिली थी उसे, उसे मिली थी यामीन उल दौला और आमीन उल मिल्लत। यामीन उद दौला मतलब यामीन तो उसके वंश का ही नाम था, मैंने बताया ना यामिनी वंश की स्थापना किया था लप्तगिन ने, तो यामीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दाहिना हाथ मतलब क्यों, क्योंकि ये साम्राज्य विस्तार में इसकी नीति जो थी वो सबसे अच्छी थी। और साथ ही साथ कौन सा एक मिला था, आमीन उल मिल्लत, इसका मतलब होता है धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला, धर्म का संरक्षक। ठीक है, तो इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। उसके बाद इसने अपना पहला आक्रमण जो भारतीयों पे किया वह कैसे किया वह हम देखते हैं। इसने भी क्या किया, पहले टारगेट किया हिंदुशाही वंश राजा को टारगेट किया, कौन था वो उस समय, जयपाल ही थे। तो पहला जो इसका आक्रमण होता है वो 1001 से, मैं इंपॉर्टेंट आक्रमण बताऊंगा, बाकी सभी जो आक्रमण हैं वो आपके नोट्स में दिए गए हैं, आप नोट्स को डिटेल से पढ़ लीजिएगा। जहां से क्वेश्चन उठता है मैं वो सिर्फ बता रहा हूँ आपसे। 1001 से 1002 के बीच में जो आक्रमण किया इसने वो हिंदू शाही वंश पे किया, जयपाल वहां के राजा थे, वो भी क्या हो गए, हार गए। तो उसी को बोला जाता वाह हिंद की लड़ाई, पहली लड़ाई। तो वहां गजनवी से हारते हैं, हारने के बाद फिर इस ये जो है आगे बढ़ता है गजनवी, और आपका पहुंचता है 1005 में मुल्तान में। ठीक है, मुल्तान में पहुंचता है, मुल्तान के राजा थे दाऊद, दाऊद पे आक्रमण करता है और यहाँ भी जीत जाता है। दाऊद भी जो है उसके अंदर में आ जाते हैं, कहते हैं भैया तुम ही सर्वे सर्वा हो, ठीक, उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद से फिर अगला आक्रमण जो इसका होता है वो होता है 1008 पे आनंदपाल, जो ये जयपाल हैं, जयपाल एक बार उसके पिता से हारे थे सुबुक्तगीन से, तो चलो किसी तरह अपने आप को समझा लिए थे, संधि हु कर लिए थे। दूसरी बार जब गजनवी से हारे, कहें अब मुझे धिक्कार है जीने पर कि मैं दो दो बार हार गया, तो इस जो है उसके वजह से डिप्रेशन में वो जाके आत्महत्या कर लेते हैं जयपाल। तो अपने पिता का बदला लेने के लिए आनंदपाल जो है क्या करता है, गजनवी से लड़ने का मौका ढूंढता रहता है। तो 1008 में एक मौका आता है, उसने आनंदपाल ने कन्नौज की सेना और उज्जैन से सहायता मांगता है कि भाइयों मुझे सहायता करो, मैं अपने पिता का बदला लेना चाहता हूँ गजनवी से। तो सभी सेना मिलके आ जाती हैं, और गजनवी भी कोई कम थोड़ी होता है, वो बहुत सा युद्ध जीता रहता है, और दोनों के बीच में लड़ाई होती है, आनंदपाल हार जाता है। हारने के बाद उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है आनंदपाल। उसके बाद से गजनवी धीरे धीरे बढ़ता हुआ कहाँ आक्रमण करता है, ये 1018 और 19 के बीच में मैं प्रमुख आक्रमण से बता रहा हूँ। ये कहाँ करता है, कन्नौज में करता है, जहाँ के राजा कौन था, जहाँ के राजा थे राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल वहाँ के राजा थे, वहाँ उन पर आक्रमण करता है, और राज्यपाल क्या करते हैं बिना लड़े भाग जाते हैं।
और बिना लड़े जब भाग जाते हैं तो उसी समय जो है चंदेल के एक राजा रहते हैं जिनका नाम था विद्याधर, वह बहुत गुस्सा आ जाते हैं कि भैया इस बिना लड़े उड़े भाग गया। और वो ऐसा गुस्सा होते हैं कि इनको ढूंढ के जो राज्यपाल कन्नौज के राजा भागे थे उनको मार देते हैं। इसी दुश्मनी हो जाती है कि काहे भागे, भागने के चक्कर में उन्हें मार देते हैं। अब ये चीजें जब खत पता चलती है गजनवी को तो कहता है ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ मैंने किया, आक्रमण मैंने किया, भागा वो मेरे डर से और मार दिए ये विद्याधर जाके उसे, ये कौन तोपखान पैदा हो गया। तो इस वजह से उस तोपखान को देखने के लिए ये चंदेल की शासक के पास आते हैं और युद्ध करते हैं। कब? 1019 और 20 की बात है। यहाँ पे दोनों लोग लड़ते हैं, चंदेल के राजा विद्याधर और आपके गजनवी, दोनों में युद्ध होता है और कोई निर्णायक युद्ध नहीं होता है और यहाँ पे टक्कर देते हैं चंदेल के राजा विद्याधर गजनवी को, हार नहीं मानते हैं और संधि होती है। ठीक, तो यही बोला जाता है कि यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजनवी का जो आक्रमण था उसे किस राजा ने रोका था, तो वो किसने रोका था? विद्याधर ने रोका था। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद 1019 और 1020 की बात हो गई और अब आगे हम बढ़ते हैं 1025 में। सभी को ये सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण है गजनवी का, क्यों भाई? क्योंकि यहीं पे इसने कठियावाड़ा जिला जो पड़ता है आपका गुजरात में, सोमनाथ मंदिर है यहाँ पे, उसी को टारगेट करता है और उसे लूटता है। क्योंकि मंदिरों में जितना धन होता है, जानते हो आज भी कि मंदिरों में सबसे ज्यादा धन होता है, क्योंकि वहां पे चढ़ावा उड़ावा जो पड़ता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब होते हैं। तो वो पहले 1025 में टारगेट करता है सोमनाथ मंदिर को और लूट ले जाता है। ठीक है, तो 1025 में ही आपका उसका कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। ठीक, उसके बाद से जब यहां से ये धन लूट के ले जाता है तो पंजाब में जाते जाते जाटों के पास, मुल्तान के आसपास इसकी जो है भेंट हो जाती है जाटों से। काफी युद्ध होता है तो जो ये पूरा बांधा रहता है धन दौलत, उसमें से आधा धन दौलत ये जाट ले लेते हैं और आधा लेके वो गजनवी गजनी जा पाता है। तो ये टोटल हो गया इसके उसके बारे में, गजनवी के बारे में कि क्या क्या था। और ये मैंने पूरा का पूरा नोट्स में आपको हर एक इसके युद्ध 17 युद्ध इंक्लूड कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे इसने किया था, तो आप लोग ये नोट से देख लीजिएगा। और यहाँ पे बता दिया कि सबसे जो इसका मेन आक्रमण था वो कौन था? सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण था। 1025 के आसपास सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो क्या उसे कोई रोका नहीं? रोकना चाहा मगर रोक ही नहीं पाया, क्योंकि वो इतना ताकतवर था कि वो समय जो भीमा फर्स्ट थे राजा चालुक्य वंश के, चालुक्य सोलंकी वंश के, वो कुछ भी नहीं कर पाए, वो भी भाग खड़े हुए। ठीक, तो बाद में चल के इसी सोमनाथ मंदिर को ये भीमा फर्स्ट जो है फिर से निर्माण कराते हैं। ठीक, आप ये देखते हैं। ठीक, गजनवी का 17वां आक्रमण मैंने अब आपको बता दिया था। आगे चलते हैं तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का कारण भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या कारण था मोहम्मद गजनवी का। वो था एक तो आपका साम्राज्य का विस्तार करना कि कोई उनपे कोई आक्रमण ना कर पाए। आगे चलते हैं, आक्रमण का परिणाम क्या होता है? ठीक है, जब आक्रमण हुआ इनका तो परिणाम क्या हुआ? तो आक्रमण का परिणाम ये हुआ कि इन पे इनका जो इस्लाम धर्म था वो काफी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ, व्यापार में काफी इनके वृद्धि हुई, यह सब इंक्लूडेड है। और इन सब घटनाओं की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इन सब घटनाओं की जानकारी, जानते हो मैंने पहले भी बताया है कि लिटरेचर, और हमेशा क्वेश्चन भी पूछता है आपसे लिटरेचर से, तो हमें लिटरेचरों से मिलती है। उसी समय अलबरौनी, अलबरौनी का नाम सुने होंगे, ये ख्वारिज्म से, ख्वारिज्म का एक गुलाम था अलबरौनी। इसे मैं जूम करता हूँ, अलबरौनी जो था ख्वारिज्म का गुलाम था, इसे वहां ख्वारिज्म से इसे गुलाम खरीद के लाया गया था। बाद में इसको गजनवी ने खरीद लिया था। ये भी एक काफी टैलेंटेड पर्सन था, इसे हर क्षेत्र की नॉलेज थी, गणित हुआ, खगोल शास्त्र हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, इतिहास हुआ, हर चीजों का नॉलेज था, साइंस का नॉलेज था। इसी ने अपनी एक किताब लिखी है, किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद कहते हैं। इसमें पूरे के पूरे गजनवी के आक्रमण के और भारत पे जैसे जैसे आक्रमण हुआ सभी इंक्लूडेड हैं। उन्हीं के समय काल में फिरदौसी भी उन्हीं के जो है राज्य में जो है लेखक थे, उन्होंने क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था। उसके बाद से उत्बी थे, उसी में किताब उल यामनी लिखे थे इन्होंने। वाहिकी जो थे वो तारीख सुबुक्तगीन लिखे थे। ठीक, तो ये आपके पूरा का पूरा तुर्क के बारे में, गजनई के बारे में, गजने
जो गजनवी ने आक्रमण किया उसके बारे में मैंने बता दिया।